टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, एमआई कम्युनिटी, कैम स्कैनर, शेयर इट, ऐसी टोटल 59 एप्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी के अंडर बैन कर दी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में है वो ये है कि इस बैन का मतलब क्या है। इस बैन का मतलब ये नहीं है कि आप ऐप स्टोर में इन ऐप्स को अब देख ही नहीं सकते। आप इन ऐप्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इन्हें यूज भी कर सकते हैं। बट इफ यू आर कॉट देन यू कैन बी जेल्ड फॉर द सेम। आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है। सो इट्स बेनिफिशियल कि इन ऐप्स को आप अपने फोन से डिलीट कर दें। सेकेंड क्वेश्चन, जो मेजर क्वेश्चन सबके दिमाग में है, वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया है। द फोरमोस्ट रीजन इज डेटा सिक्योरिटी। इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने सिंप्लीफाइड तरीके से बोला है कि जो भी डेटा आप इन ऐप्स को देते हैं, इन ऐप्स को यूज करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल एड्रेस, योर जीपीएस लोकेशन, ये सारा डेटा एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज कर सकती है। सो चाइना गवर्नमेंट के पास अगर हमारा डेटा अवेलेबल है तो वो बहुत ईजिली इस डेटा को मिसयूज कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है, बिकॉज डेटा सिक्योरिटी इज कंसिडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कि हम इन एप्स को बैन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में है वो ये है कि इस डिसीजन से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और साथ ही साथ चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। वेल, इंडिया में बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं हु आर वेटिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जाम्पल, रोपोसो इज एन इंडियन ऐप विच इज अ राइवल ऑफ टिकटॉक। अब ऐसी कंपनीज को आगे आने का मौका मिलेगा और अच्छे ब्रांड्स क्रिएट करने का भी मौका मिलेगा। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द इंडियन स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, और जिसको भी कोडिंग आती है या फिर ऐप क्रिएशन आता है, वो ऐसे राइवल ऐप्स क्रिएट करके मेड इन इंडिया का ब्रांड ऊपर लेके जाए। जो नेगेटिव इम्पैक्ट चाइनीज इकोनॉमी पर आएगा वो ये है कि ये चाइनीज कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक, शेयर इट, कैम स्कैनर, दीज आर हेविली डिपेंडेंट अपॉन इंडियन मार्केट बिकॉज ऑफ द शेयर साइज ऑफ आर पॉपुलेशन। तो अगर हम ऑन अ लार्ज स्केल इन एप्स को बॉयकॉट करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट इन एप्स को बैन करती है, तो इन कंपनीज के ऊपर हैवी इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा, जिसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी दिखेगा। आई होप इस वीडियो से आपके कुछ डाउट्स तो क्लियर हुए होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये बैन किस तरह से किया है और क्यों किया है। इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर।